गुड इवनिंग स्टूडेंट, सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनका वर्कशीट कंप्लीट हो गए, मैम के पास सबमिट है या नहीं है। जिनकी सबमिट है वेरी गुड बेटा, और जिनकी सबमिट नहीं है वो स्कूल में अपनी वर्कशीट करके सबमिट कीजिए। ओके, चलो आज की डेट देखो, व्हाट इज द डेट टुडे। टुडे डेट इज 11/12/2020 और डे है आपका फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। आपका विषय क्या है बेटा? हिंदी। और हिंदी में आप सभी बच्चे क्या पढ़ोगे? चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रथम वर्ण पर गोला लगाइए। क्या क्वेश्चन है बेटा? प्रश्न ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है चित्र पहचान कर। आपको चित्र के पहचान होनी चाहिए और उनके नाम के प्रथम वर्ण पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये हमने ऐसे भी किया था, चित्र पहचान कर अक्षर लिखो, ठीक है। अब इसमें आपको अक्षर नहीं लिखना, उसे के सही अक्षर पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे पहले पिक्चर का रिकॉग्नाइजेशन कीजिए। ये क्या है? आम, आ से आम, बड़ी से एन, छोटी से इमली, बड़ी से ऊन, छ, छ से छतरी, क्या ज, ज से जग, डा, डा से डमरू, अंग, अंग से अंगूर। सभी बच्चों को समझ में आ गया सारी पिक्चर? अब हम अक्षर की पहचान कीजिए। देखो बेटा, पहला पिक्चर क्या है आपका? बड़े आ से आम। पहला पिक्चर की चीज क्या है बेटा आपका? बड़े आ से आम। तो सभी बच्चे देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? आम उ और बड़ी ई। आ से आम, छोटे उसे उल्लू, बड़ी से ई। चित्र किसका है? आम का। तो बड़े आ से आम, तो आम पे आप क्या कर दोगे? इस तरीके से गोला लगा दोगे। सभी को समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर किसका है? बड़ी से एन। अब अक्षर पहचानो। अ से अनार, बड़ी से एन, कप से कबूतर। तो बड़ी से एन पे क्या कर दोगे बेटा? गोला लगा दोगे। सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, छोटी से इमली। ये क्या बनाई हमने? इमली। तो रीड करो। ख, ख से खरगोश, छ से छतरी, छोटी से इमली। तो छोटी पे आप क्या कर दोगे बेटा? इस तरीके से गोला लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, बड़ी से ऊन। बड़ी से क्या होती है बेटा? ऊन। तो यहाँ पे देखो, छोटी से खोखली, बड़ी से ऊन। आप बड़े हो गया तो यहाँ पे आप इस तरीके से गोला लगा दोगे। और यहाँ पे अंग से अंगूर, तो हमें यहाँ पे नहीं करना। तो देखो, आ से आम, बड़ी से एन, छोटी से इमली, बड़ी से ऊन। सभी को ज्यादा समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इस साइड वाले पिक्चर्स का आइए। सभी बच्चे ध्यान से इधर देखिए, इस साइड पे क्या बनाए? सबसे पहले छ से छतरी। तो पढ़िए, ज से जहान, छ से छतरी, ग से गमला। यहाँ पे किस चीज का पिक्चर है बेटा? छ से छतरी। तो आप छ पे क्या लगा दोगे? गोला लगा दोगे। नेक्स्ट किस चीज का पिक्चर है बेटा? जग। क से कबूतर, घ से घर, जग। तो आप जग पे क्या लगा दोगे बेटा? गोला लगा दोगे। नेक्स्ट ड, ये क्या है? डमरू। तो ड से डमरू, अणा खाली, ट से टमाटर। ये तीनों अक्षरों को रीड करो, ये क्या है? जिनको नहीं पता उनको पहचान हो जाएगी बेटा। तो ये ड से डमरू, तो ड में आप क्या लगा दोगे बेटा? ड अक्षर पे गोला लगा दोगे। नेक्स्ट क्या है? अंगूर। तो अंगूर की सुना? अंग से अंगूर। तो कब से कबूतर, अंग से अंगूर। तो अंग अक्षर पे आप क्या लगा दोगे? गोला लगा दोगे। नेक्स्ट क्या लिखा था ये बेटा? छ, छ से छतरी। सभी को समझ में आ गया? देखो रीड करो। छ से छतरी, ज से जग, ड से डमरू,
ये काम करना है, ठीक है? रीड करो बेटा। बड़े आ से आम, बड़ी ए से ऐनक, छोटी की से इमली, बड़ी ऊ से ऊन, छ से छतरी, ज से जग, ड से डमरू, अंग से अंगूर। तो सभी बच्चे ये नीट एंड क्लीन काम करेंगे अपनी नोटबुक में, क्लास वर्क में। ओके स्टूडेंट, ये आपका RW है, रिवीजन वर्क। सभी बच्चे ध्यान से रिवीजन वर्क करेंगे। नाउ ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे होमवर्क। सभी बच्चे आज का होमवर्क लिखिए डायरी में, हिंदी में। हिंदी में आप सभी बच्चे करोगे का से अना तक लिखो वह याद करो। आपको लिखना भी है, आपको याद भी करना है। लिखो व याद करो। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आप सभी बच्चों को का से अना तक लिखना भी है और आपको याद भी करना है। ओके बेटा, देखो अब पढ़ो। आ से आम, बड़ी से ऐनक, छोटी की से इमली, बड़े से ऊन। जोर से बोलो बेटा। छ से छतरी, ज से जग, ड से डमरू, अम से अंगूर। बेटा दिस इज योर क्लास वर्क। एक क्लास वर्क में आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, तो ये आप सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी तरीके के प्रश्न आपको अपने पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेगा। तो सभी बच्चे ढंग से रिवाइज करेंगे। और अगर सभी बच्चों अपनी नोटबुक कल चेक करवाएंगे, ठीक है? नोटबुक और डायरी।